मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनावों को दो चरणों में कराए जाने की घोषणा कर दी गई है। पहला चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा, दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। शिवपुरी नगर पालिका के चुनाव के साथ ही 9 नगर परिषद के चुनाव इन्हीं दो चरणों में होंगे। आपको बता दें कि हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नरवर नगर परिषद में चुनाव कराए जा चुके हैं। इसके चलते नरवर नगर परिषद के चुनाव को श्रेणी से दूर रखा गया है। नगरीय निकाय के चुनाव में महापौर को जनता तय करेगी, वहीं नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर चुकी है। खास बात यह है कि शिवपुरी जिले में इस बार रन्नौर, मगरोनी और पोहरी नगर परिषद के चुनाव पहली बार कराए जाएंगे। काफी अटकलों के बाद चुनाव का बिगुल अब बज चुका है। जल्द ही अध्यक्ष और पार्षदों का चुनाव होना है। क्या भ्रष्टाचार का अंत होगा या फिर पिएगा पानी? देखते रहिए हमारे साथ खास रिपोर्ट। बिगुल बज चुका है, रणभेदी लग चुकी है। अब तो वक्त है उस चुनाव का। क्या शिवपुरी की जनता इस बार अपनी मूलभूत सुविधाओं का हक पा पाएगी? नगर पालिका चुनाव की हम बात कर रहे हैं, नगर पालिका चुनाव की रणवेदी बच चुकी है, लेकिन समय के साथ शिवपुरी की जनता को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी लड़ना पड़ता है। शिवपुरी की मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो 2008 में पूरा होने वाला जल आवर्धन योजना आज दिनांक तक भी पूरी नहीं हुई है। उसी क्रम में अगर बात करें सीवर प्रोजेक्ट, शिवपुरी का सीवर प्रोजेक्ट भी सन 2008 में पूरा होना था, वो भी आज दिनांक तक पूरा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं शिवपुरी की नगर पालिका, शिवपुरी की जनता इसके त्रस्त झेल रही है। बंद कर दो। वहीं अगर बात करें तो शिवपुरी नगर पालिका की पिछले 10 सालों से जमे हुए पार्षद और अध्यक्षों ने कई योजनाओं पर पलीता लगा दिया है। शिवपुरी नगर पालिका, शिवपुरी की जनता में भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है। लेकिन क्या इस बार जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे जनप्रतिनिधि? देखते हैं और चलते हैं हम लोग चुनावों में।